और पेन तो मुझे लोग डरते हैं कि पेन बहुत होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी इतनी इजीली मेरी पूरी सर्जरी हो जाएगी। मैं तो आराम से कहीं कभी कभी सोता भी रहा, कभी दो मूवियाँ भी मैंने देख ली इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज मैं हूं भोपाल में क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर काफ़ी दूर से आया यहाँ पर सर्जरी के लिए और उनका यही कहना था कि अजय भाई जब भी मेरी सर्जरी हो तो आप मेरे साथ में रहना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भोपाल क्लिनिक पे है हम और अभी इनकी सर्जरी हो चुकी है। अभी आपको फेस इनका ब्लड दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वो इसलिए क्योंकि ये आइडेंटिटी अपनी शो नहीं करना चाहते। तो जस्ट हम इनका रिव्यू ले रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस है इनका अभी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी इतनी ईजीली मेरी पूरी सर्जरी हो जाएगी। और आप सब लोगों का सर, डॉक्टर साहब का और अजय सर का बहुत कोऑपरेटिव समय रहा मेरे साथ, जो पूरा समय आपने मुझे पूरा दिन दिया। और पेन तो मुझे लोग डरते हैं कि पेन बहुत होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जैसे एक शुरू में भी ऐसा दर्द होता है जैसे एक चींटी काट रही है, और बाद में तो कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो आराम से कहीं कभी कभी सोता भी रहा, कभी दो मूवियाँ भी मैंने देख ली इसमें। तो मेरा काम मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। मतलब शुरू में आया था जब तो नर्वस लग भी नहीं रहते वैसे। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पहले से ही बहुत समय से आपसे मेरी बात भी हो रही है और आपके वीडियो भी देख रहा था और आपसे बीच बीच में बात भी होती रहती थी, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। नो प्रॉब्लम, इंजॉय करी मतलब सर्जरी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सर्जरी में ये ही नहीं लगा कि मैं सर्जरी करवा रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि घर में एक तरीके से रेस्ट कर रहा हूँ। तो आपने देखा कैसा एक्सपीरियंस है इनका? क्योंकि मुझसे आप अधिकतर पूछते हो और मैं लगभग सभी वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ आपको कि कोई पेन होता नहीं इतना हमको। जस्ट इन्होंने जैसा बताया एक चींटी काटी, शुरुआत में जस्ट ऐसा लगता है, बाद में पता नहीं चलता है आपको कि कब सर्जरी आपकी हो जाती है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत लाइट सर्जरी है। और थोड़ा बहुत हमको सर भी बताएंगे कितने ग्राफ लगे हैं। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित जैन। आज जैसे कि अभी हमारे पेशेंट ने बताया, इनकी काफ़ी अच्छे से लाइट तरीके से सर्जरी हो गई है। इनको मेनली फ्रंट हेयर लाइन में बस रिसीडिंग था, तो उसी को करेक्ट करना था। तो उसके लिए हमने लगभग 2000 से 2500 के बीच में प्लानिंग की थी कि इतने हम ग्राफ्ट लगाएंगे। तो आप एक बार देख सकते हैं इनकी किस तरह से डेंसिटी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपकी इनकी बिफोर की कंडीशन भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे कोई भी सब्सक्राइबर कहते हैं कि अजय भाई जब भी हम सर्जरी कराएं तो आप हमारे साथ में रहना, तो आप भोपाल वाली ब्रांच से अगर कराते हैं, क्लिनिक का नंबर वीडियो में दे दिया है मैंने, अगर आप भोपाल वाली ब्रांच से कराते हैं तो वहाँ पे मैं इजीली मिल सकता हूँ। तो आप जब भी प्लानिंग करो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके संग रहूँ, तो आप भोपाल वाली ब्रांच से कराना, तो मैं यहाँ पे मिल जाऊँगा। और एक बार मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर लेना कि मैं कब फ्री रहता हूँ, तो मेरा नंबर भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।